हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वज्र द पावर। मैं श्री हरि। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। हमने सुबह डिस्कस किया था और जो मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको ले जा रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इन इंट्राडे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंट्राडे में अगर आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक गलत हो गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है और ये सभी ट्रेडर्स को ये क्वेश्चन होता है। तो सुबह के सेशन में कुछ हमने एनालिसिस किया था और बताया था कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जस्ट इस वीडियो में रिव्यू करेंगे कि जो सुबह जो एनालिसिस हुआ था तो वो कितना काम किया। तो चलिए देर न करते हुए तुरंत हम चलते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म ओपन हो गया और यहाँ पे निफ्टी 50 है। ये देखिए, ये टाइम आप देख सकते हो कि ये सुबह का कैंडल था और प्री मार्केट में मैंने बताया था कि आज मार्केट बुलिश ओपन हो सकता है और ये काफ़ी देर तक ये बुलिश रहा। ठीक है, तो ये बुलिश था, हमें ये कैसे पता चल गया? अगर आप प्री मार्केट का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या एनालिसिस किया था। उस हिसाब से जब हमने सुबह देखा था तो ये जो पूरे इंडेक्स जो थे वो ग्रीन में थे, करेक्ट ग्रीन में थे और उनका ग्रोथ भी अच्छा था। तो वही एक डायरेक्शन था कि आज बुलिश मार्केट ओपन होगा, लेकिन वो बुलिश कितने देर तक रहेगा ये तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलता है। तो मार्केट ओपन होने के बाद भी हमने एक वीडियो बनाया और उसमें हमने देखा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो जो सुबह हमने एनालिसिस किया था निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे किया था। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट करता हूं परसेंटेज के हिसाब से हाई टू लो। ठीक है, तो सुबह जो था ONGC टॉप पर था, सेकंड पे था भारतीय एयरटेल, ठीक, थर्ड पे था अदानी और BPCL, ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमको जो अगर आप पार्ट वन देखेंगे, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। पार्ट वन में मैंने कहा था कि आपको फर्स्ट फाइव, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फाइव के अंदर आपको सिलेक्शन करना है और जो पहला वाला है आप उसे छोड़ सकते हो। फर्स्ट फाइव में क्या होता है कि आप किसी भी एक का जो स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका होता है तो वो कहा था मैंने परसेंटेज। वो जो था कि लगभग भारतीय एयरटेल हो गया, ONGC बढ़ चुका था, अदानी पोर्ट्स 1.85 या 88% ऐसा कुछ तो था। तो यहाँ पे ग्रोथ था ऑलरेडी, ये मार्केट बुलिश थे और इंडेक्स में अगर हमने देखा था तो एनर्जी सेक्टर जो है, एनर्जी एनर्जी सेक्टर हाई पे था, जो अभी भी देखिए ये अभी भी बुलिश है लेकिन ये टॉप पर था। अगर मैं इसे शॉर्ट करता हूँ तो ये शॉर्ट करने के बाद एनर्जी ये ऊपर था, अभी जो है बैंक निफ्टी बैंक है लेकिन एनर्जी वहां पे था। तो हमने क्या किया था कि उस हिसाब से हमने स्टॉक सिलेक्शन किया था। और जैसे कि मैंने भारतीय एयरटेल के बारे में कहा था तो चलिए हम भारतीय एयरटेल के बारे में देखते हैं। 9:30 बजे ये लगभग ये समय पे ये 771 का प्राइस चल रहा था। तो यहाँ से 7712 एनालिसिस करते करते 2 मिनट के अंदर में ये 772 या 3 ऐसा कुछ तो हो गया था। और मैंने कहा था ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे भी 2% उसका ग्रोथ था। तो हमने कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1% या 7 रुपये तक इसका हाई हो सकता है। और उसी प्रकार से यहाँ से अगर इसका हाई देख लेते हैं हम तो देखिए यहाँ पे 79, तो लगभग इसने 7 रुपये ही दिए है। मतलब जब आप एनालिसिस करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद में हमने अदानी पोर्ट के बारे में ही बात किया था। चलिए अदानी पोर्ट के ऊपर देखते हैं कि ये जो ओपन हुआ था, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस समय पे और यहाँ से ये जो बुलिश बना, क्योंकि ये भी हमारे कॉल में था सुबह के 5 टॉप गेनर्स में ये था, तो इसने भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया है। ऑलमोस्ट इन्होंने अदानी पोर्ट ने 4.63% इन्होंने गेन किया, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। और ONGC तो टॉपर था, सुबह भी वो 4% था और अभी भी 4% पे ही चल रहा है।
शायद थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो रहा है, इंटरनेट शायद मेरा वीक हो चुका है, हो सकता है। चलिए तो मैंने यहाँ से हाई टू लो यहाँ पे इसे चेंज किया है, तो अब इसका जो प्लेसमेंट देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे अदानी पोर्ट है, ONGC अभी भी 4.6 लगभग। तो हमने ONGC को सेलेक्ट क्यों नहीं किया था, उसका रीज़न था कि ऑलरेडी ये 9:30 बजे इसका ग्रोथ 4% के आसपास चल रहा था, 2% या फोर, हाँ 2% के आसपास या हाई थोड़ा सा चल रहा था, तो इसलिए खासकर कि ये टॉप गेनर में से एक है, फर्स्ट नंबर पे है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इसने दूसरे क्रमांक पर ये बना रहा। तो ये था आज का सुबह का हमारा ट्रेड एनालिसिस, जहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप स्टॉक एनालिसिस करके ज़्यादा, मतलब आपको डीप जाने की इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है एज द इंट्राडे, आप यहाँ पे एज ऑन द परसेंटेज बेस भी अगर आप काम करते हो तो भी यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहीं पे हम रुक जाते हैं, और हाँ प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो करके मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप देख पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।